हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटरनेट ऑल इन वन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवे जब आप टिकट बुक करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। मैंने पटना जंक्शन से और एक वाराणसी टू पटना जंक्शन से, जब आप पहले IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते थे तो टिकट बुक करने के बाद जो है आपको एक PDF मिलता था जो कि इस प्रकार है। पहले ऐसा PDF मिलता था, इसमें जो है देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले वाला मैं थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे PNR नंबर आता था, ट्रांजेक्शन ID, यहाँ पे कहाँ से फ्रॉम बोरिंग कहाँ तक जाना है, रिजर्वेशन अप टू, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे रहता था। मैंने मोबाइल नंबर सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे हाइड किया हुआ है। यहाँ पे पैसेंजर एड्रेस रहता था, जहाँ पे पैसेंजर का एड्रेस है। देन यहाँ पे इधर आप आइएगा तो उस कौन सी क्लास में है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, डेट एंड टाइमिंग यहाँ पे रहता था। डेट एंड टाइमिंग यहाँ पे, यहाँ पे टिकट फेयर रहता था आपका कितना के है, यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फी जो लगता था वो है, यहाँ पे टोटल फेयर लगता था, और यहाँ पे आपका जो है नेम रहता था। देन यहाँ पे आपका सारा बुकिंग स्टेटस और यहाँ पे करंट स्टेटस रहता था। लेकिन ये बहुत पुराना वाला है, ये कुछ ही दिन पहले चेंज हुआ है, और मैं सोचा कि इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था तो मैं बनाने की सोच रहा था, तो आज मैं वही लेकर आया हूँ। सो देखिए, यह पहला का टिकट था जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन अब जो है टिकट बुक करिएगा तो आप लोग के IRCTC की वेबसाइट पे आप लोग को जब टिकट बुक करिएगा तो आपका जो है PDF फॉर्मेट मिलेगा, वो कुछ इस प्रकार है। मैंने हाल ही में टिकट ये बुक किया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा चेंजेस है एक मोबाइल नंबर का। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर पहले वाले में दिया जाता था, देखिए मोबाइल नंबर पहले वाला में दिया जाता था जब आप बुक करते थे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता था पैसेंजर का। लेकिन अब जो है टिकट बुक करने के बाद आपको PDF मिलेंगे, उसमें यहाँ पर देखिए बोर्डिंग पॉइंट लिखा हुआ है, बोर्डिंग फ्रॉम वाराणसी जंक्शन है, यहाँ पे बनारस जंक्शन से है। यहाँ पर जो है टाइमिंग लिखा हुआ है, 8:30 बजे टाइमिंग है, 5 अगस्त 2022 को पटना जंक्शन। यहाँ पे जो है कब पहुँचाएगा, 3:20 मॉर्निंग में 6 अगस्त को पहुँचा देगा। यहाँ पे PNR नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए 10 अंक का। यहाँ पे कोटा जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन नंबर और नेम लिखा हुआ है, 14224 ट्रेन नंबर है, और बुध पूर्णिमा एक्सप्रेस ट्रेन है, डिस्टेंस 312 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से क्लास में है, स्लीपर में, और टिकट प्रिंटिंग टाइम यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जितने पैसेंजर के कटाइएगा, यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे सारा ये बुकिंग स्टेटस, यहाँ पे जो है करंट स्टेटस दिखाएगा। ये दोनों टिकट ही स्लीपर क्लास में कंफर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका जो है टिकट का फेयर दिख जाएगा कि कितना का टिकट था, एक्स्ट्रा कितना चार्जेस लगा है, एवं पूरे टिकट। यहाँ पे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप टिकट का डिटेल ही प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सबसे चेंजेस हालांकि किए गए हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे पहले से बहुत आसानी तरीके से दे दिया गया है। पहले तो है इतना छोटा छोटा रहता था, प्रॉब्लम होता था या फिर ये सब लिखा हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पे अब बहुत ही सिंपल बना दिया गया है और बहुत ही अब पहले से खूबसूरत दिखने में लगता है। लेकिन यहाँ पे एक मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है, आप किस चीज़ को लेकर के इंडियन रेलवे ने मोबाइल नंबर नहीं दिया है ये तो नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे अब जो है अगर आप अब टिकट बुक करिएगा तो आपको PDF कुछ इस प्रकार का मिलेगा, आपको टिकट कुछ इसी प्रकार का मिलेगा। तो बस यही छोटा सा अपडेट देना था। आज का वीडियो कैसा लगा और पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।